आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की। बड़ी सुंदर लगती है मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पे बिखरती है। त्याग तपस्या की किरणें अंतर से झलकती है। ये शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। ये शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पे बिखरती है। त्याग तपस्या की किरणें अंतर से झलकती है। ये शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है।
जिन शासन की यह महिमा आ महिमा जह देव सास गुरु तीन रतन की गरिमा जिन शासन की यह महिमा आ गरिमा जह देव सास गुरु तीन रतन की गरिमा अनमोल रतन इन कहना आ कहना निज आत्म में अब उन्हें सजो कर रखना उन रत्नों की चमक तेरी काया में झलकती है त्याग तपस्या की किरणें अंतर से झलकती है शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है मुस्कान सदा चेहरे पे बिखरती है त्याग तपस्या की किरणें अंतर से झलकती है शांति छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है शांति छवि करो हो सके जहां सुखी हो सके जहां सुखी सबके सुखों की तू है दवा सबके सुखों की तू है दवा आगम आगम सुख बरसा बरसा सुख बरसा आगम आगम सुख बरसा चुप चुप काटे नफरत के प्यार अबन के फूल गिरा विजय चौक से मोंगा नर्सिंग होम की तरफ से होते हुए हंसराज स्कूल के आगे से वापस श्री मंदिर जी में राधेपुरी में आएगी और रथ यात्रा के पश्चात आप सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है।
और यह भोजन की व्यवस्था आपके लिए श्रीमान सुबोध जी जैन, गौरव जी जैन, मित्तल शूज वालों और हमारा जो मंदिर जी का जैन युवा संगठन है, इनके सौजन्य से किया गया है। आप सभी से निवेदन, उसे अवश्य ग्रहण करें। और शाम को 7 बजे भगवान श्री पार्श्वनाथ व माँ पद्मावती माता की आराधना यहाँ पर की जाएगी, जिसमें कि मशहूर कलाकार राजीव विजयवर्गीय, जो इस समय के बेहतरीन सिंगर हैं, बच्चों ने उन्हें बुलाया है, खुशबू जैन बॉम्बे की आर्टिस्ट है, जयबोली आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव देव जी, जयबोली आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव जी। कितने लोग थे कल शाम को जो लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, उसमें से कितने लोग कल शाम को थे? नहीं, कुछ हाथ नहीं उठे। देखिए, मन से, भाव से, जोश के साथ जयकारा लगना चाहिए, ताकि राधेपुरी में आसपास जो लोग अपने अभी घरों में हैं, उन्हें भी पता लगे कि मंदिर जी में कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आचार्य श्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं, ताकि उनके मन में भी आकुलता आए कि हमें शीघ्र से शीघ्र मंदिर जी पहुंचना है, आचार्य श्री के प्रवचन का लाभ लेना है। जोरदार जयकारा लगाएंगे मिलके, भाव से, जोश से, जय बोले आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, आगे रथ यात्रा भी हमें आरंभ करनी है। तो मैं भाई संजय जैन एम्बेसी म्यूजिकल ग्रुप वालों से निवेदन करूंगा। अच्छा, सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मंदिर कमेटी से, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी गण आए और दीप प्रज्वलन करके आज का इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अज्ञान ते मेरे घर पूरी राधेपुरी कमेटी इस कार्य में सहयोग करेगी, सभी आगे आ जाएं। और दीप जलाएंगे प्रभु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावत बेला, प्रभु जी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी, हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे प्रभु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला, प्रभु जी हम दीप जलाएंगे। राधेपुरी मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और
परिजनों ने हमें हमारी इनसे दो चार बार बात हुई और इन्होंने हमें वचन भी दिया है कि जब भी हमारी धर्मशाला का मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगनी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं विश्व धर्म की जैन धर्म की बोले आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की। आज हम हमारे दिगंबर संत निर्गंत अवस्था में उनकी हम अर्चना पूजा करेंगे एक चार लाइनों के माध्यम से। त्याग तपस्या लख कर जग के रोम खड़े हो जाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। उपसर्गों से डरते नहीं सम्मान नहीं अपनाते हैं समय सार के समता रस का पल पल पान कराते हैं। अर्घ चढ़े या असी चले पर तनिक नहीं अकुलाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। शीत ऋतु में नदी किनारे आत्म ध्यान लगाते हैं वर्षा ऋतु में वृक्ष तले गुरु आत्म रस झलकाते हैं। ग्रीष्म काल पर्वत पर तप कर चेतन स्वर्ण बनाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। एक बार आहार करे गुरु धरती पर सो जाते हैं करवट यूं ही नहीं बदलते पीछे पास लगाते हैं। करुणा विगलित रोम रोम से करुणा रस झलकाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। अंतराय आने पर गुरुवर समता रस झलकाते हैं बिन भोजन पानी के गुरुवर घंटों ज्ञान सुनाते हैं। कलयुग में सतयुग को लख कर धन धन हो जाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। धर्म ध्यान को तज कर गुरुवर शुद्धातम में जाते हैं पुण्य पाप के फल को तज कर शुद्धातम प्रगटाते हैं। समय सार की मूरत लख कर लघुनंदन हर्षाते हैं ये धरती के देव दिगंबर महामुनि कहलाते हैं। निर्गंत गुरुओं की जैन गुरुओं की बोले आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की मुनि संघ की। गुरुवर एक भगवन दो अंतर क्या दोनों की कृपा में बोलो अंतर क्या दोनों की कृपा में बोलो। एक राह दिखाए एक पार लगाए एक राह दिखाए एक पार लगाए एक गुरुवर
कृपा में बोलो अंतर क्या दोनों की कृपा में बोलो एक राह दिखाए एक पार लगाए एक राह दिखाए एक पार लगाए एक गुरु कुछ त्यागो सब कुछ पाओ गुरु ने ज्ञान लुटाया सब कुछ त्यागो सब कुछ पाओ गुरु ने ज्ञान लुटाया प्रभु चरणों में शीश झुका वांछित फल पाया एक नदिया एक सागर दौड़ी पार नहारी अंतर क्या दौड़ी कृपा में बोलो अंतर क्या दौड़ी कृपा में बोलो एक राह दिखाए एक पार लगा एक राह दिखाए एक पार लगा पूरी परायत आगे जो भी हो लेकिन उसको आजीवन याद रखूंगा ये एक शब्द मेरे अभी भी दिमाग में आता है और ये एक मौका शायद इस कारण से इस स्टेज पर हमको मिला कि कुछ बड़ा करने की मन में एक इच्छा हुई कि कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ा किया जाए उस बड़े करने के लिए और एम सिर्फ ये है कि किस तरह से अब विकास की बात हो किस तरह से हमारे संस्कारों की बात हो किस तरह से गुरुजनों का सम्मान बढ़े इसकी बात हो तो ये सब मन में एक विचार लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं हमारी टीम आगे चल रही है और मुझे निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा विश्वास बहुत बड़ा संबल बहुत बड़ा सपोर्ट मिला आपके द्वारा मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए मुझे लगता है कि मैं सम्माननीय आपका सम्मान मुझे करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी प्रणाम थे वह दिल्ली वालों को दर्शन देने के लिए दिल्ली में आ गए द्वारका जी में बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है खड़गासन प्रतिमा उसमें भगवान बाहुबली जी की छत के ऊपर बहुत ही सुंदर मनोहारी प्रतिमा हमारी कमेटी गई थी दर्शन करके आई थी बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहां पर विराजमान की गई है जिसके पंचकल्याणक 7 फरवरी से 13 फरवरी तक वहां पर होने सुनिश्चित किए गए हैं
आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, धर्म लाभ लें। और मुनिश्री की बात सुनकर मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि भगवान स्वर्ण बेलगोला से दिल्ली आ गए, कि मुझे एक भजन की एक लाइन आपको बताऊंगा, गाकर नहीं वैसे ही बताऊंगा कि भक्त के वश में है भगवान। तो वह भगवान जो हम लोग, बहुत से लोग शायद स्वर्ण बेलगोला ना जा सके होंगे, वह सब यहाँ पर द्वारका जी में उनके दर्शन कर सकते हैं। और अब चलते हैं, मुनिश्री प्रथमानंद जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आज की इस मंगल मेला में, मंदिर जी के वार्षिक रथोत्सव में, हमें आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनिश्री प्रथमानंद जी, मुनिश्री प्रतिज्ञानंद जी वे माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरी राधेपुरी मंदिर कमेटी, पूरे संघ की बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। ओम नमो आर्यानम, ओम नमो वज्रायानम, ओम नमो लोय सौवसाहनम। पंचपर्णेटी भगवान की, मूल नायक चंद्रभू भगवान की, वर्तमान जिन शासक महावीर भगवान की, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की, आचार्य विराग सागर मुनिराज की, आचार्य गुरु और परग सागर मुनिराज की, भव्य जीवों में आपको ये बताना चाहता हूँ। प्रसंग चल रहा है रथ यात्रा का, प्रभावना का। जैसे प्रभावना में 8 अंग बताए गए हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी 8 अंग हैं। और 8 अंगों में सबसे ऊंचा अंग कौन सा है? मस्तिष्क। जिसको अपनी मस्तिष्क की पहचान करानी है या मस्तिष्क को ऊंचा उठा के चलना है, उसको धर्म प्रभावना करनी चाहिए। और परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। मैं बताया था कि जिस परिवार में धर्म प्रभावना के लिए, पूजा पाठ के लिए परिवार यानी प्रयत्नशील रहता है, उसी घर में चक्रवर्ती जन्म लेते हैं, उसी घर में चक्रवर्ती जन्म लेते हैं। हरिसेन की माता पिता जो हैं, हरिसेन चक्रवर्ती की माता पिता यानी कि बहुत धर्म करते थे, बहुत दान करते थे, प्रभावना बहुत करते थे, उनके यहाँ ही चक्रवर्ती ने जन्म लिया। कथा पढ़ लेना हरिश्चंद चक्रवर्ती की। तो अब जिसको भी अपनी अपनी प्रभावना करनी हो, अपनी कीर्ति फैलानी हो, अपने अपने परिवार सहित अपने दोस्तों को, जितने परिवार जितनी तन मन धन से कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। ये सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जैसे भेड़ जा रही थी, एक गड्ढे में गिर गई, एक जाने भेड़ जा रही थी हजारों तादाद में, और एक गिरी तो सारी गिरती चली गई, एक बकरी थी वो बाहर रह गई, वो बीज जाति की थी। एक बकरी जो है ना बाहर रह गई, वो क्यों नहीं गिरी? अरे एक ही बहुत है, शेर एक ही बहुत है, था जंगल की शेर राजा एक ही है। हमें ये ना सोचा मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा, मैं भी अकेला एक करूंगा तो हजारों को बता सकता हूँ। जैसे महाराज जी विमान में यात्रा करते थे, और ये बढ़ती तो थे, कोई क्या नहीं, पानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, हाईकार तंग होगी। अरे तुम जैनी हो क्या जो कुछ नहीं ले रहे, साथ साथ बैठे हैं। प्रभावना ये होती है, हमें बाहर प्रभावना दिखानी है कि हम क्या है, हमें महावीर भगवान ने क्या बताया था, हम क्या कर रहे हैं। हमें बाहर दिखाना है जितना भी दिखा सकते हैं। कैलाश नगर वालों ने चाह के मंदिर बढ़िया बनावे तो बन गया। दिल्ली की नाक क्या पूरे हिंदुस्तान की नाक बना दी। अगर हम चाहो तो क्या नहीं कर सकते, हम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप है ना, जैसे कि एक चीन का दार्शनिक आया था होशांग ध्यान, तो उसने क्या करा, वहां पे जाके बताता है अपने यहाँ पे जाके चीन में, एक ऐसा वर्ग है, ऐसा समुदाय है जो सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय से क्रिया शुरू होती है, सूर्य अस्त पे खत्म हो जाती है उसकी, यानी सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त तक की उसकी दिनचर्या रहती है, खाना पहना ओढ़ना बैठना उठना जो भी है, यानी रात को कोई भी काम नहीं करते। कितनी प्रभावना हुई, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमें पूरे भगवान को महावीर का दोबारा नाम करना है। अगर हमें भगवान महावीर को चाहते हैं या कि भगवान को मानते हैं, भगवान की महावीर स्वामी को मानते तो हैं, उनकी मानते नहीं, मानते हैं पूजा तो करते पर उनकी मानते नहीं हम,
जिस दिन हम मांगना मानना शुरू कर देंगे हम भी भगवान बन जाएंगे। चलो आप याग नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो प्रभावना तो कर सकते हो, व्रत नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कम से कम प्रभावना तो कर सकते हो। धर्म की प्रभावना करो, महावीर भगवान के नाम की प्रभावना करो तो आपका नाम जग में रोशन होगा। जैसे कि मुनि जाते हैं उनके साथ में बिहार में जाओगे तो आपके प्रभावना होगी, देखो इनके जैनों के मुनि जा रहे हैं, अरे एक मुनि जा रहा अरे एक साथ में हो तो क्या प्रभावना होगी अपनी, कितनी यानी कि वो अपनी अपना आप धर्म को गिरा रहे हैं। हमारे एक दूसरा एक समुदाय सिख समुदाय कितनी आजकल कर रहा है, उसने पिछले साल पटना में मनाया कहीं 1000 करोड़ पे लगा दिए, अब यहाँ पे चल रहे हैं यहाँ पे मना रहे हैं गुरुपुर में यानी 550 हुआ, कितने पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से आया, अब दे तो वही रहा है, हमारे पास कोई पैदा हो रहा क्या, उसके आशीर्वाद से उसको हमको मिल रहा है वो खर्च कर रहे हैं, हम कर सोचे तो हमने ही कर प्रभावना करनी है। ये जैसे कि एक मिनट बोल लूँगा बस, जैसे कि प्रोग्राम था किसी ब्याह शादी में थे, एक ही कुआ था वहाँ का, यहाँ एक ही कुआ था, तो कुएं में सोचा कि अगर ये इतना बारात आ रही है और मेहमान आ रहे हैं ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से आएगा फिर, जैसे हम सोचते नहीं हमारे पास पैसा अगर हमने प्रभावना में लगा दिया तो कहाँ से आएगा। उसने कोई बुजुर्गवार था को बड़ा तुम चिंता ना करो ब्याह शादी है अपने इसको पूरी अच्छी तरह करो, और जैसे उन्होंने यानी शाम तक पानी खर्च करा ख़त्म हो गया पानी, सुबह उठा देखा तो फिर वही भर गया। अरे हमारे में अंदर विश्वास होना चाहिए, हम प्रभावना कर रहे हैं भगवान के नाम करके वो कर रहे हैं तो हमारे कैसे नहीं होगा, हम मंदिर में कितनी पूजा पाठ कर ले वो कितनी प्रभावना नहीं वो दूसरा है, अगर हमें प्रभावना करनी तो बाहर दिखाना पड़ेगा रोड के अंदर हम क्या चीज़ है। मैं इतना ही कहूँगा, बोल महावीर भगवान की जय। नगर भ्रमण के लिए निकलता है वो सौभाग्यशाली परिवार का चयन अभी कुछ ही क्षणों में होली के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, और उस त्रिलोकी नाथ का रथ कौन चलाएगा, कौन बनेगा सारथी त्रिलोकी नाथ का, तीन लोक के नाथ का सारथी बनने का सौभाग्य। कौन बनेगा सारथी, बहुत ही पुण्यशाली वो परिवार होगा, बहुत ही पुण्यशाली वो परिवार होगा जो आज भगवान के रथ का सारथी बनेगा। कुबेर जो भगवान की रथ यात्रा में कुबेर बनते हैं, ऐसा भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है कि वह सच में कुबेर बन जाते हैं। उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, वह कुबेर कौन परिवार होगा सौभाग्यशाली। और भगवान के दोनों तरफ इंद्र बनकर भगवान ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं गुरुवर कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों की निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों की निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की
छाया जो दिल में गम का धीरा, छाया जो दिल में गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को है घेरा, तन्हाइयों ने जो मन को है घेरा, खिलता सवे जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की कलियों में तू है, फूलों में तू है, कलियों में तू सागर की एक लहरों में तू है, सागर की एक लहर में तू है, जहाँ भी मैं देखूं गुरुवर बस तू ही तू है, हमें रास्तों जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन अंधेरा मिटा है, तू जो नहीं है गुरुवर कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के निशान गए। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की महानुभाव धर्मानुरागी महानुभाव, बहुत सुंदर प्रसंग आज का राधापुरी का, जैसे मैंने कहा था राधा आत्मा का नाम है, आत्मापुरी मोक्षपुरी, जहां पर आज रथोत्सव होना है। प्राचीन काल में भी बहुत बड़े बड़े रथोत्सव होते थे, कितने भी संकट आए पर हमारे जैनों ने रथ उत्सव निकाले, जहां पर कभी राजा महाराजा हमारे धर्म के विरोधी थे, वहां पर दूर दूर से मुनियों को लाकर के, साधुओं को लाकर के राजा को जैन बनाकर के रथ निकाला। अकलंक निकलंक जैसे जहां पर रानी तो जैन थी, राजा अजैन था और उसके मंत्री सब अजैन, जैन रथ निकालने के लिए मना कर दिया गया। अकलंग कहां पर थे, कितनी दूर थे, वो रानी गई निवेदन करने, गुरुदेव यदि इस बार रथ निकलना बंद हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए जिन शासन का रथ बंद हो जाएगा, आप कुछ करो। बोले चलो, पहले के राजा आश्रय धर्म होता था, जो राजा का धर्म
वो सारी प्रजा का धर्म होता था। राजा से रानी बार बार कहती है, तो राजा कहता नहीं, जैन का नहीं, बुद्ध का, क्योंकि बड़ी रानी थी वो बुद्धिस्ट थी। वो बोली वो रथ पहला मेरा निकलेगा, और जैन रानी कह रही थी रथ पहला। अब दो औरतों की लड़ाई में राजा तो हंसा हुआ था, इसलिए अब करे तो करे। तो राजा ने कहा ठीक है, वाद विवाद कर देते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिता रख देते हैं, बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाए, और जो इस वाद विवाद में जीत जाए उसका रथ पहले चलेगा। पहले यही फैसला हुआ करते थे कि कौन अपनी तर्क बुद्धि से अपने धर्म का पक्ष रखता है, और जिसका पक्ष जीत जाता है उसका धर्म युगों युगों तक चलता है उस काल में उस राजा के। रानी जैन रानी बड़ी घबराई, तब वो मुनिराज के पास गई। बहुत दूर से मुनिराज पैदल चल के बोले तुम चिंता मत करो, जिन शासन की रक्षा के लिए मेरे छोटे भाई निकलंक ने प्राण दिए हैं, और आज वही संकट आया है जब, तो मुझे हजारों किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल के आऊंगा, जिन शासन की रक्षा करूंगा। और वो आए, महाज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे, और एक बार में ही जिनको याद हो जाता था। निकलंक को तो दो बार पढ़ने में याद होता था, लेकिन अकलंग को एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इतना क्षयोपशम उनका था। और उन्होंने जब बाल्यकाल में बहुत पढ़ा, और बुद्धों के मठ में भी जाकर के कि बुद्ध बनकर के पढ़ के आए, छल से पढ़ के आए, ये लोग क्या कहते हैं क्या पढ़ाते हैं, उनके भी ग्रंथ पढ़ के आए। महानुभाव, हमारे पीछे के लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत समर्पण किया है इस जिन शासन की रक्षा के लिए, आज तो हमें पका पकाया बना बनाया माल मिल गया, हजारों लाखों पुस्तकें हमारे सामने समक्ष आ गई, और उसमें भी हम पढ़ते नहीं हैं, और फिर और भी तुम्हारा पुण्य का उदय हुआ तो घर बैठे YouTube और TV और चैनल इन सब में तुम्हारे पास जिन शासन चल के आ गया, लेकिन वहां भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वहां भी तुम्हारे पास समय नहीं रहा, इतना अनमोल चीज तुमको प्राप्त हुई है, सोचिए। वो अकलंक देव को एक तरफ बिठाया गया महामुनिराज राजा की सभा में, जैन दिगंबर मुनिराज सिंह की दहाड़ करने वाले, गर्जना करने वाले, और एक तरफ बुद्धिस्ट लोग, और बीच में पर्दा डाल दिया गया। बहुत वाद विवाद हुए, 6 महीने तक अकलंक उनके उत्तरों का बिल्कुल एक बार में ही जवाब देते थे, और खंडन कर देते थे सारी बातों। तो उनको लगा हम तो अब हारने वाले हैं, तो वो अपनी कुल देवी तारा देवी के पास उनने आवाहन किया बुद्धों ने, और एक मटकी में उसको विराजमान कर दिया, और सारे जवाब फिर वो दे, फिर चलता रहा, बंद होने को नाम ही नहीं दे रहा, करें तो करें क्या। तो रात्रि को स्वप्न आया अकलंक को कि यहाँ पर देवी विराजमान है, वो जवाब दे रही, ओहो फिर तो मजा आ गया, क्योंकि देव एक प्रश्न का आंसर जो है वो दोबारा नहीं देता है। उससे बोलो क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, तो वो क्या हो जाती है। अकलंक तो अकलंक थे, बोले ये तो आज चुटकी में काम हो जाता है। और फिर जैसे ही प्रश्न पूछा, बोले क्या कह रहे दोबारा बोलो, तो शांत, और निकाला पर्दा और मटकी में लात मारी, देखो तुम्हारे ये देवी देवता। और राजा के सामने भी वह छल सामने प्रकट हुआ, और ये देखा गया कि अरे इतना बात विवाद चलता रहा और इस छल के साथ चलता रहा,
और आपने तो सारे पक्षों का जवाब दिया, सारे सवालों का जवाब दिया, और आप ही सच्चे ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, जिन शासन ही सबसे बड़ा शासन है। ऐसा करके वह जय जयकार हुई और राजा जैन बन गया, सारे मंत्री जैन बन गए, सारी प्रजा जैन बन गई, और बुद्ध का रथ तो निकले नहीं, जैन रथ धुआंधार से वहां पे निकाला गया। महानुभाव, वो रथ की शैली, वो रथ की परंपरा हमारे यहाँ पर, हमारे जैनों ने बलिदान दिया है, आपको पता है। अभी ये पहुवती गई ना, भी जुलूस दिल्ली का निकलता है, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में, 150 वर्ष पुराना है। हाँ, सबसे पुराना रथ है जो रथ परंपरा की। वो रथ जब मुगल काल में राजा अजैन था, उसने निकालने मना कर दिया, लोग पीछे बैठ गए, हम रथ नहीं निकालने देंगे इसको, तो बड़ी समस्या हो गई। बोले क्यों? क्योंकि ये जैन लोग हमें रात को खाना नहीं देते। हाँ, वो पीछे पड़ गए, बोले ये तो रथ खाना खिलाओगे या रथ निकालो, तो कुछ नहीं करने देंगे, रथ खाना खिलाने के उनके लिए पीछे पड़ गए। सुनो भैया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने रोते रोते साइन कर दिए कि हम खाना देंगे पर रथ जरूर निकालेंगे। रथ निकाला, रथ बंद नहीं होने दिया, प्रभु की रथ यात्रा, क्योंकि नगर में, जिस नगर में प्रभु के पद फेरते हैं चलता है, वहां मारी महामारी दुर्भिक्ष अकाल नहीं पड़ता है, चारों तरफ सुख शांति और आनंद होता है, जीवों का कल्याण होता है, उद्धार होता है, और यही महोत्सव आज राधापुरी में होने वाला है। राधापुरी में भी, मोक्षपुरी में भी भगवान का बहुत बड़ा भव्य उत्सव और महोत्सव मनाया जाएगा। जीव सौभाग्यशाली होते हैं जो अपनी सिर में, अपने गोद में भगवान को लेकर के चलते हैं। महानुभाव, जो भगवान को लेकर के चलते हैं, एक दिन वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। आज यह उत्सव महोत्सव होने वाला है, भगवान का जितना सानिध्य ले सके लेना चाहिए, क्योंकि हम सब भी भगवान होना चाहते हैं, हम सब भी भगवान बनना चाहते हैं। कितने लोग भगवान बनना चाहते हैं राधापुरी में, जरा देखे हाथ तो उठाए। चाहते सभी है, पर से बन नहीं सकते। भैया, अनंत जैसे वैकेंसी निकलती है ना, तो वैकेंसी तो निकलती है कम, और देने वाले पेपर अनंतानंत जीवों ने पेपर दिया पर तुम्हारी वैकेंसी पास हो गई, जिस कुल में तुम आए हुए हो। बहुत बड़े बड़े पेपर दिए हैं तुमने, और उसमें सेलेक्ट होकर के तुम इस धर्म में प्रकट हुए हो, और सेलेक्ट हो जाने के बाद जो व्यक्ति ईमानदारी से काम न करे तो क्या होगा उसका? बैक टू, तो ईमानदारी से काम करो, भगवान बनने आयो, भगवान बनने का काम करो। भगवान महावीर स्वामी 100 इंद्रों की हाजिरी में बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी मुनिराजों के सानिध्य में जोरदार शंखनाद करते हैं, घोषणा करते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है, परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। यहां कोई गुलामी गिरी नहीं है कि गुलाम करना सिखाया जाए, जी हुजूरी सिखाई जाए, ये बात नहीं सिखाई गई जैन धर्म में। हम तो जैन धर्म में ये बात सीखी है महावीर स्वामी से, ये बात सीखी है कि भैया तुम भक्त हो और कल के भगवान हो। ना रागी बनूंगा, ना द्वेषी बनूंगा,
महावीर की संतान हूँ, भगवान बनूंगा ना रागी बनूंगा ना द्वेषी बनूंगा, महावीर की संतान हूँ भगवान बनूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कारण है तो कार्य भी है, जिस चीज में जिसका कारण होता है उसका कार्य भी उस रूप में प्रकट होता है। इस शक्कर मीठी है तो वह कार्य भी मीठी रूप ही कार्य करेगी। कारण मौजूद होना चाहिए। बीज में वृक्ष होने की शक्ति है तो वह वृक्ष रूप में कार्य रूप में प्रकट होगा। ऐसी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है तो कार्य रूप में प्रकट अवश्य होगा। हम पुरुषार्थ करें, हम आगे बढ़े। इसलिए जैन धर्म में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बनने के लिए है। क्या बनने के लिए? परमात्मा मतलब सिद्ध भगवान। हमारे लिए आदर्श वही है ना, अंतिम पद तो वही है ना, सिद्ध भगवान, बाकी सारे पद तो छूट जाते हैं। आचार पद उपाध्याय पद तो ये मोक्ष मार्ग ही नहीं है, ये तो व्यवस्था है। ये क्या है? साधु पद, अरहंत पद और सिद्ध पद, ये तीन पद ही मोक्ष मार्ग है। बाकी दो पद तो जिम्मेवारी है, व्यवस्था है, इसको छोड़ना पड़ेगा। मुनि पद नहीं छोड़ना पड़ेगा और अरहंत पद अपने आप छूट जाएगा जब मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे पद को हमें प्राप्त करना है। हमें भी पंच परमेष्टि में नमोकार मंत्र में शामिल होना है, क्योंकि हम ये शक्ति रखते हैं, ये सामर्थ्य रखते हैं। जैन धर्म और अन्य धर्म में क्या अंतर है? वो कहते हैं भक्त भक्ति रहेगा, भगवान भगवान ही रहेगा। और जैन धर्म कहता नहीं, भक्त भी भगवान बनेगा। ये इतनी बड़ी घोषणा छोटी मोटी नहीं है, बढ़िया नाचना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। मैं भी भगवान, ये शक्ति मेरे अंदर भी है, ओहो बड़ा आनंद आना चाहिए। पर वहां पर भक्त भक्ति रहेगा, भगवान भगवान ही। और यही कारण है कि वहां पर भक्त भगवान को मनाने में लगा हुआ, भगवान को खुश करने में लगा हुआ है। भैया जैन धर्म के भगवान को समझ लेना आप अच्छी तरह से। जानते हो ना जैन धर्म के भगवान कैसे होते हैं? अभी तो आपकी धारणा में सामान्य भगवानों की तरह अपने भगवान की धारणा है। जैसे अन्य जनों में भगवान मानते हैं वैसे ही धारणा आपने अपने भगवान में बना रखी है। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिफुल, बहुत इस प्रकार से न जाने क्या क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ जो भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाए वो जैन धर्म के भगवान, यस या नो? सोच समझ के बोलना, हाँ या ना। जो हम पूजा कर रहे हैं उस पूजा से जो भगवान हमारे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, वो जैन धर्म के भगवान, हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही, बताओ राधापुरी। ऐ ना, पक्का? बिल्कुल, कल से पूजा बदल जाएगी तुम्हारी। हाँ अच्छा, जो भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे वो जैन धर्म के भगवान, हाँ या ना? प्रधान जी बड़ा झटका लगेगा पर समझना तो पड़ेगा। देखो भैया, सचमुच में हमारे भीतराग भगवान है। हमने तो उन्हें इसलिए स्थापित किया है कि हम आपके पास आकर के आप जैसे हम भी भीतरागी हो जाएं, हम भी छल कपट राग द्वेष छोड़ दें, संसार के मोह माया में फंस करके हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को। इसलिए हमने मंदिर में विराजमान किया, वरना विराजमान की व्यवस्था नहीं थी। हम बार बार आपके पास आए और हम भी ऐसे बैठ जाएं और आप जैसे बन जाएं, ये भावना है। बाकी ये मोह माया पैसा तो छल कपट की दुनिया है, झूठ है, सच है। कैसी भी तिकड़मबाजी करोगे करो पर अरबों कमा लो, इसमें आपका क्या लेना देना? इसमें आपके बीच में हमें लाने की जरूरत क्या है? और जब हम आपका ध्यान करेंगे तो शुभ परिणाम से हमारा पुण्य का उदय तो बनेगा बनेगा, वो फ्री में मिलना ही मिलना है, फिर डिमांड किस चीज की? ध्यान रखना, भगवान की पूजा
भगवान के लिए नहीं है, भगवान बनने के लिए है। क्या जैन धर्म में किसके लिए भैया भगवान की पूजा, किसके लिए? भगवान के लिए। लो चंदन लो, जल लो, अक्षत लो, उन्हें कोई लेने देने नहीं। जैन धर्म के भगवान तो बहुत जबरदस्त है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना उद्धार करना चाहते हो, तो यहाँ पर आते हो। देखिए भगवान के पास आकर भगवान बनने की कला कैसे सीखना है, कैसे सीखे हम भगवान बनने की कला? भगवान कैसे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? तो बैठ जाओ तो इतने में अंश तुम भगवान बन गए। भगवान जैसे बैठे हैं वैसा तुमने बैठना प्रारंभ कर दिया तो तुमने भगवान बनने की कला सीख ली। भगवान कैसे आंख करके बैठे हुए हैं? तुम जगत को देखते हो, जगत को देखना बंद करो। खूब टीवी देखते हो, खूब मोबाइल देखते हो, थोड़ा बंद करो, ठीक है ना? तो आप उतने अंश में क्या बन जाएंगे? भगवान कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? और तुम तो ऐसे बैठते हो, मोबाइल लेकर के बैठते हो। ऐ कहीं ये चावल बीनते रहते हो, आजकल चावल नहीं बीनते, मोबाइल में चावल बीनते ऐसे करके, ऐसे चलाते ना ऐसे मोबाइल, चावल बीन रहे हो। मैंने ये वाला काम कहाँ से आ गया बताओ? ऐ तो हाथ खोल के बैठना, ये पकड़ना है, पसारना है, संसार है। और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना संसार से निर्बंधन है। तो आप बैठना प्रारंभ करेंगे, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपके भगवान ज्यादा बोलते हैं क्या? आप बहुत बोलते हो, बोलना कम करो, थोड़ा मौन की प्रैक्टिस लाओ, थोड़ा मौन की साधना लाओ, आप उतने अंश में क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। आपके भगवान घूमने जाते हैं यहाँ वहां क्या, मंदिर में बंद है जाते हैं? तुम बहुत घूमते हो ना, कभी सिंगापुर, कहीं यहाँ, कहीं वहां, घूमना बंद करो, कम घूमो। जितना कम घूमोगे उतने अंश में क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओ। अच्छा तुम्हारे भगवान कपड़े पहनते हैं क्या? और तुम्हारे यहाँ तो अलमारियां भरी हुई है, कम करो, कम करो, कम करते जाओ और कम करते जाओ और कम करते जाओ और इतना कम करो कि इस लाइन में बैठ जाओ, क्या बन जाओगे? हैं? तो ये दर्शन है, ये दर्शन है कि हम आपके पास आकर के आप जैसे होने के लिए अनुभव करना चाहते हैं, तो आप भी क्या बनते जाएंगे? भगवान बनते जाएंगे। तो महानुभाव, ऐसे भगवान को लेकर के चलना, कितना मन हर्षित होगा, मन प्रफुल्लित होगा। और रथ यात्रा में ध्यान रखना, भगवान निकलते नहीं है लेकिन जब भी उनका विहार होता है तो दूसरों के लिए मंगल ही मंगल होता है। जब जब जहां जहां विहार हुआ है, जहां जहां चले हैं और जो जो उनके साथ चले हैं, वो जिन जिन ने एक बार तीर्थंकर को देख लिया, क्या बोले? देखने बात की बात कह रहा हूं, जो एक बार तीर्थंकर को देख लेता है वो कभी ना कभी उसका मोक्ष निश्चित है। देखने बात की बात कह रहा हूं मैं आपको, अभी बने धरे कुछ भी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद, वो जीव नियम से जो तीर्थंकर की संगति में आ गया, देव दर्शन, बोलो कैसे? देव दर्शन। पहले क्या होता है? पहले भक्त आता है तो बोलता है दो देव, देव पहले दीजिए, तो क्या कहलाता है? देव दर्शन। और फिर जब सब कुछ मिल जाता है तो परमात्मा का स्वरूप समझता है तो जिन दर्शन, क्या होता है फिर उसे? जिन दर्शन। फिर जब जिन दर्शन होता है तो उसे अपना भी भान आने लगता है तो उसे निज दर्शन, क्या होता है? पहले देव दर्शन, फिर जिन दर्शन, फिर निज दर्शन, फिर सम्यक दर्शन, क्या हो जाता है? तो जो देख रहे हैं वो देव दर्शन है। जो तीर्थंकर जब निकलेंगे आपकी गलियों से, आपके रास्तों से, जो जो देख रहा है
वो देव दर्शन कर रहा है, और किसी भाव में आकर के वो जिन दर्शन करेगा, किसी भाव में आकर के निज दर्शन करेगा, और किसी भाव में आकर के सम्यक दर्शन करेगा, और किसी भाव में आकर के मोक्ष चला जाएगा। ये परंपरा है भाई, परंपरा है। और जो इसकी अनुमोदना करते हैं, जो इसका कृत करते हैं, जो इसका कार्य करते हैं, उनको तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है, वो तो सीधे रिजर्वेशन कराते हैं और शीघ्र यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाओ और वहां से मंदिर के समोसन में बैठकर तुम भी मोक्ष चले जाओ। ये बात है। आप सब लोग इस महिमा को समझें। अभी यहाँ पर बोल रहे थे कि अपना मन बना ले कि आपको बैठना है, आपको रथ में बैठना है, भगवान को लेके बैठना है, ये करके बैठना है, वो करके बैठना है, पर उसकी भूमिका, इसकी भूमिका सुनो। जिनको जिनेंद्र की महिमा आती है उन्हें इतनी भूमिका बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आसन भव जीव कहता है, ये चंचला लक्ष्मी सौधर्मिंद्र कहता है, स्वर्ग का सारा वैभव मुझे ले लो मेरा सारा, लेकिन मुनि जैसा एक दिन का संयम मुझे मिल जाए। चक्रवर्ती सारा वैभव छोड़ने को तैयार है जिनेंद्र भगवान पाने के लिए, ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि जिनेंद्र भगवान की महिमा, भगवान को लेके बैठना, भगवान के साथ साथ चलना, भगवान के चमर ढुलाना। जो अभी मैं आदिनाथ पुराण पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति ये ऐसे कौन कौन व्यक्ति प्राप्त करते हैं, तो बोले कि जो कभी भी हिंसक वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है, कोई पंखे एसियों का उपयोग नहीं करता है, उन व्यक्तियों के चमर ढुलाए जाते हैं। पंखा, उसमें पंखा नाम आया था, पहले पंखा बिजना चलता था, बिजने का जो हवा नहीं लेता है उसके लिए देवलोग चमर ढुलाते हैं। फिर बाद में जो गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, फिर वो आकाश में चलते हैं तीर्थंकर। ऐसे उनके जितने सारे वर्णन लिखे थे पूरे आदिनाथ पुराण में, और आप सभी लोग ऐसे तीर्थंकर के साथ चल के अनुमोदना करेंगे, जय जयकार करेंगे, प्रभु के नारे लगाएंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखना, कुछ नारे ऐसे हैं जिसको आप लगाने से किसी को ठेस पहुंचती है, वो नारे कभी ना लगाएं। अपने मंदिर के अंदर लगाओ, खूब लगाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ नारे ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे अहंकार रूप लगते हैं, ऐसे नारे बाहर अच्छा शोभा को प्राप्त नहीं करते। जैन धर्म के देख लो, ठाट वाट क्या क्या बोलते हो, ऐ ये क्या बोलना कि 1, 2, 3, 4 जैन धर्म के देखो ठाट, पर क्या ठाट दिखाना है तुम्हें। तो ये अपन को अंदर अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर, बाहर बोलो त्याग धर्म की जय, अहिंसा धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, है दया धर्म की जय। ऐसे महावीर स्वामी का नाम लो, खूब चंद्र प्रभु का नाम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नारे होते हैं जिससे अच्छा नहीं लगता है। देख लो भाई, देख लो, त्याग करना सीख लो, जैन मुनि को देख लो, तो उनको लगता है अच्छा तुम ही बड़े त्यागी हो क्या, और कोई दूसरा नहीं है क्या। तो ऐसे जो हमको दूसरों को कष्ट पहुंचाए ऐसे नारों से भी क्या है बचना है। आप बोली अपने लिए बोलो, आप संतुष्ट हो इस बात का, तो खूब जय जयकार लगा करके जो जिससे लोगों को प्रेरणा मिले अहिंसा की, दया की, त्याग की, करुणा की, तो उस महिमा को आप लोग गाएं और आनंद के साथ, विनय के साथ, विनम्रता के साथ। ध्यान रखना, जो प्रभु के साथ नंगे पैर चलता है उसी जीव का आगे जाकर के पंच कल्याणक मनाया जाता है। अब बोलो भैया, किसको किसको चलना है, किस किस को अपना पंच कल्याणक बनवाना है, क्योंकि नंगे पैर चलोगे तो फिर एक बार मुनि बनोगे, फिर मुनि बनोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा, फिर कल्याणक मनाए जाएंगे। ये शास्त्रों की बात कह रहा, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कहता। और एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो झंडा यदि किसी को पकड़ा दिया जाए, भाई तुम पकड़ लो, तुम पकड़ लो, अरे भैया झंडे के लिए लड़ाई होना चाहिए। जो जैन ध्वज का पकड़ता है, शासन का झंडा पकड़ता है, उसकी युगों युगों तक संसार में कीर्ति फैलती है, जगत में यश फैलता है, कोई पाप का भी उदय आ जाए तो उसमें भी उसका यश फैलता है।
जो जैन शासन का क्या पकड़ता है, ध्वजा पकड़ता है। इसलिए सब लोग ध्वजा पकड़ने के लिए प्रयास करना, हम भी ध्वज लेंगे, जय जयकार करेंगे। महानुभाव, इसके बहुत बड़े फल हैं। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसी कैसी गहरी गहरी बातें हैं। तो आप सब लोग इसमें चलें और विनय के साथ खाते पीते नहीं, कोई कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं, और दिल्ली में तो वो थैला भरने का सिस्टम भी होता है वो भी नहीं, ठीक है ना, वो कुछ भी लेके चलना मिलना बिल्कुल नहीं। आप भिखमंगे घर से नहीं हो, तीन लोग के नाथ के घर से हो, ठीक है ना, और संयम के जगह से हो, जहाँ मुनिराज तुम्हारे लोग भूखे रहते हैं, आहार नहीं करते, एक टाइम लेते हैं, ऐसे धर्म से तुम हो और तुम्हें इतनी भूख लगाती है, इतनी प्यास लगाती है, सोच लेना आज हमारा एक आसन है, घर जाके लेना है, या बाद में आकर यहाँ पर व्यवस्था तो होगी ना, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, ठीक है ना, अगली बार से और भी ध्यान रखना, अच्छी व्यवस्था करना। अच्छा, अच्छी का मतलब अच्छी नहीं समझे तुम, अभी तो नकली की है। अच्छी का मतलब होता है सब कुछ घर में ही बना के इनको खिलाना। अच्छी का मतलब क्या होता है, अभी तो तुम बाजार से आटा, बाजार से मसाला, बाजार के ये, बाजार के वो, बाजार का वो सब ले आए, ये तो अधर्म है। धर्म के बीच में क्या है, अधर्म है। अभी द्वारका में पंचरण होने वाला है, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, पंचरण कभी कराऊंगा जब सारा आटा मसाला जो कुछ भी है घर में पिसेगा तो होगा, नहीं तो नहीं। और हमारे वहां मयूर विहार के सुभाष जैन है, उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि बाजार से एक भी आइटम ऐसा नहीं आएगा, सारा का सारा हम अपने घर में चक्की लगा के सारा पिसवाएंगे और सभी को शुद्ध खिलाएंगे, चाहे जनरल भोजन हो और चाहे इंद्रणियों का भोजन हो, ठीक है ना। देखो जैन धर्म में अपन खिला रहे हैं, लोगों को भ्रष्ट करें अच्छी बात थोड़ी है, सुनो, भ्रष्ट करें अच्छी बात थोड़ी है। आप लोग ध्यान रखो, महिलाएं लोग जब भी इस प्रकार का उत्सव महोत्सव होता है, 10 दिन पहले से आप कमेटी से मिलिए, भैया सामान लिखवा दो, हम मंदिर में मंगाएंगे, शोधन करेंगे, साफ करेंगे और उसकी व्यवस्था बनाएंगे, और इस सामान को आप लोग फिर हलवाइयों, अच्छे हलवाइयों को बुलाकर साफ सुथरा ढला करके उनसे बनवाओ और करवाओ। ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम धर्म भी करें और इस दूसरे को पाप भी करते जाए। कोई लिमका बंटवा रहा है, कोई फ्रूटी बंटवा रहा है, ये क्या धर्म है तुम्हारा ए? अरे शुद्ध शुद्ध बढ़िया बढ़िया गरम गरम मंगोड़े बनवाओ ना, बढ़िया पकौड़ी बनवाओ, बढ़िया जो अच्छी साफ सुथरी छनी हुई प्रासंगिक मर्यादा की वस्तु से बनी हुई हो। फ्रूटी बंटवा रहे हैं, क्या क्या बंटवाते रहते पता नहीं ए? और अनछना पानी जो गिलासे आती है ना, यहाँ तो बोल रहे हैं कि छना पानी पियो और बंटवाते क्या है ए? उस दिन सबको अनछना पानी पिलवाते हैं, सब भ्रष्ट हो जाओ। यहाँ पे भगवान की जय जयकार करो और खा पी कर सारे धर्म को यहीं पर छोड़ करके चले जाओ। नहीं, जब भी मंदिर का प्रोग्राम हो, खाना पीना भले कम रखना, एक आइटम रखना, दो आइटम रखना, कौन कहता तुम 50 आइटम बनाओ, तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, घट जान लेना, लेकिन खिलाएंगे तो शुद्ध खिलाएंगे, अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे। ये समाज में थोड़ा सा व्यवस्था चेंज होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन शासन के अनुसार, देखिए विवाह आदि जो हो रहे हैं आजकल, वो बहुत ही कॉस्टली विवाह हो रहे हैं और बेकार के पैसे की फिजूल की किए जा रहे हैं, उन सबसे बचिए। जैन समाज बहुत साफ सुथरा समाज था, आडंबर से रहित था, दिखावा से रहित था, इससे दूर जाइए। और जो शास्त्रों में बात कही गई है, आदिनाथ के 38 लेसन में एक बात आई है, विवाह नाम की क्रिया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भैया जो विवाह के जो फेरे हैं, वहां सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने होना चाहिए, पुण्य आश्रम में, मंदिर आश्रम में भगवान के सामने होना चाहिए, ये बात कही गई है। भगवान की वेदी के सामने मंडप लगेगा, वहां पर अग्नि लगेगी, विद्वान जैन धर्म के अनुसार फेरे कराएंगे, तो कम से कम आप फेरे बढ़िया विभूति के साथ करो वहां पर, और रिसेप्शन जहां रखना रखो, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें।
यदि मंदिर में होती है, पंचायत के सामने होती है, जो आजकल चल रहा है कि 100 में से 50 तो तलाक हो जा रहे, घर आके बैठ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। भगवान के सामने संकल्प, और उसमें ये भी लिखा है कि यदि कोई गुरु महाराज विराजमान हो आसपास तो उनको भी इनवाइट करो, देव शास्त्र गुरु के सामने वह मंगल विवाह हो, क्योंकि वह भी एक साधना है, वह भी मोक्ष मार्ग बताया है जैन धर्म में। तो इस प्रकार से आप लोग इस कार्य में भी आगे हो। अब बंद कर दो सारे अडंबर, जो पैसे तुम एक रात में करोड़ों रुपए फूंक देते हो, कितने सालों में तो कमाया और एक रात में, अरे उन पैसों से रथ यात्रा में बैठ जाना, मंदिर बनवा लेना, भगवान को मंदिर बनवा देना, प्रतिमा बनवा देना, और ना कुछ कर सको तो अपने बेटों के नाम से FD बना के डाल देना, उनके काम आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन तुम ऐसा बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कोई मंदिर तुम्हें अलाउ ना करे तो चिंता मत करना, दिल्ली में द्वारका मंदिर तैयार है, वहां तुम्हारे फेरे करवा दूंगा भगवान के सामने, बिल्कुल सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने। ये मेरी बात पूरी दिल्ली तक पहुंचा देना, सारे आ जाना, और जिसको भी करना हो सिद्ध भगवान, क्योंकि मैं आगम की बात कर रहा हूँ, आगम में जो बात लिखी है संयम है, ये उनकी दोबारा करा दूंगा पंचांग में। 10 फरवरी को, सुनो भैया बता रहा हूं, इसका भी मेरे पास ऑप्शन है, 10 फरवरी को एक दिन रखा है भगवान की बारात। क्या रखी है? तो भगवान की बारात में और भी बरातियों की शादी हो जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है ना। जितने जिनके जोड़े हो चुके हैं ना, वो फिर पुनः देव शास्त्र गुरु के सामने फेरे कर लो। अरे तुम लोग करते नहीं हो क्या? 25 साल 30 साल क्या मनाते हो? जिसका 25 साल आए, जिसका 50 साल आए, वो दोबारा देव शास्त्र गुरु के सामने बरमाला डाल के संकल्प लो कि हम दोनों मिलकर के एक दिन सिद्ध भगवान जरूर बनेंगे। मैंने विचार किया कि सिद्ध भगवान के सामने क्यों बोला, बहुत चिंतन किया मैंने, तो बहुत अच्छा रहस्य निकल के आया। वो इस निकल के आया कि हम जैन कुल में तो मात्र सिद्ध बनने के लिए आए थे, दीक्षा के लिए आए थे, लेकिन मेरी कमजोरी, मेरा आलस, मेरा प्रमाद, जो मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, तो हे सिद्ध भगवान, हम दोनों आपके सामने फेरे लेकर के ये संकल्प लेते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं काम करेंगे जिससे हम सिद्ध ना बन सके, दोनों एक दूसरे को मिलके धर्म चलाएंगे और आगे जाके दीक्षा लेके सिद्ध भगवान बनेंगे। इसलिए सिद्ध भगवान के सामने फेरे हैं भाई, ठीक है ना। तो आप सब लोग इसको क्रांति करो, इसमें आगे पहुंचाओ, वरना जो आजकल शादी ब्याह कुछ हो नहीं रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है सारा समाज, धर्म ध्यान के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था यदि सही नहीं रही तो ये धर्म ध्यान भी काम आने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। और अब वही बात फिर मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ कि उनको माइक देंगे, आपको इस महोत्सव में उत्सव बनाइए, और रथ यात्रा में इसमें किस प्रकार से बैठेंगे, दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, दान देने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, एक बार भी बड़ा नहीं हो सकता है। कौन? दान देने वाला कभी भी बड़ा नहीं होता है, दान लेने वाला सदा बड़ा होता है। क्या होता है? यदि लेने वाला स्वीकारे नहीं तो तुम कभी दानी बन, एक खड़े हो जाओ, मैं आपके मंदिर में 1 करोड़ लगाना चाहता हूँ, बाहर निकल जाओ। हम बैठे थे विद्यानंद महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, एक व्यक्ति आया बॉम्बे से, जब द्वारा कुमकुम भारती देखी तो बोले महाराज जी इसमें मुझे 20 करोड़ रुपए लगाने की मेरा मन कर रहा है, बिल्डिंग बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बोले गार्ड इधर आओ, इसको बाहर निकालो। बोले बाहर निकालो? बोले बिल्डिंग तू बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा यहाँ से जा। ए? तो भैया यदि जब तक कोई सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा, मुनिराज को तुम आहार दान दे रहे हो और मुनिराज अपने आहार, अपने अंजलि में आहार ना ले, बोलो तुम दानी बने नहीं बने? तो लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? है लेने वाला, उसने स्वीकारा। आपके ये प्रधान जी
जब आपकी दान राशि स्वीकार कर ले तो आप धन्यवाद देने आओ, जय जिनेन करने आओ कि भैया आपने मुझे दानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करा दिया है, वरना आप मना कर देते रथ में बैठने से, आप मना कर देते मुझे भगवान का चमर लेने से, तो मैं कहां से दानी बन पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी बात आना चाहिए महानुभाव। तो आप इसको स्वीकार करें और आगे बढ़ाएं। जय बोलो चंदा प्रभो भगवान की। तालियां भी बजाना बता दूं। सारे रास्ते में उन्होंने यहाँ पर पानी का छिड़काव कराया है, चूनिया की पट्टियां खिंचवाई हैं, पुलिस प्रबंध करा है, ट्रैफिक पुलिस का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध करा है। तो अब इनके लिए एक जोरदार तालियां आप बजा दीजिए और चलते हैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। ख्वासी 15,515 रुपए। होके सोने के रथ पे सवार, अरे होके सोने के रथ पे सवार, प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार। वीर की जय हो, वीर की जय हो, मेरे महावीर की जय हो, मेरे सन्मति वीर की जय हो। होके सोने के रथ पे सवार, होके सोने के रथ पे सवार, प्रभु जी करेंगे बेड़ा। इक्कीस हजार एक सौ इक्कीस रुपया। शीघ्रता के साथ अपना अपना मन बनाए। 21,121 रुपया। 21,121 रुपया। 21,121 रुपया। 2। अरे बोलो बोलो रे, अरे बोलो रे, धर्म की नगरी में बारो, धर्म की नगरी में बारो बने डोरे, धर्म की नगरी में बारो बने डोरे। 31,331 रुपया। अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत सस्ती बोली छूट रही है, शीघ्रता के साथ अपना अपना मन बनाए। 31,331 रुपया। 31,331 रुपया। 31,331 रुपया। 2। 31,331 रुपया। 2.5। और किसी का मन है छोड़ दूं, महिलाएं भी बोल सकती हैं, घर से किसी को बुलाकर जेंट्स को रथ पर भगवान जी के साथ वासी की बोली लेकर उन्हें बिठा सकती हैं, महिलाएं भी बोल सकती हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकती। 551 रुपए। देखिए हम लोग अगर बोली नहीं बोल सकते लेकिन तालियां बजाकर उसकी अनुमोदना जरूर करनी चाहिए। 51,551 रुपए। इधर से बोली बड़बड़ जाए, उधर से बोली बड़बड़ जाए। 71,771 रुपए। 71,771 रुपए। 2। 71,771 रुपए। 2.5। छोड़ दूं। और ये 71,771 रुपया। 3। आ जाइए भाई साहब। ओ बोली लेने वाले तेरा नाम तो बता, बोली लेने वाले तेरा नाम तो बता, अरे नाम तो बता तेरा नाम तो बता, ओ गुरु चरणों में आ। श्रीमान परवीन जी जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया है, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। भाई राकेश जी हमारी कमेटी के महामंत्री अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, तिलक लगाकर इनका सम्मान करें और एक मुकुट जो आज ये चांदी का यहाँ पर मुकुट लगाकर रथ में तीन लोग के नाथ को लेकर बैठेंगे दे दो, सौंप दो, सौंप दो। और इसके पश्चात सारथी की बोली के लिए, सारथी की बोली के लिए 11,111 रुपया। 11,111 रुपया सारथी की बोली जो तीन लोग के नाथ के रथ को चलाएंगे। 11,000। 21,000। 21,121 रुपया। देखो अभी संजय भाई बता रहे थे कि बोली छूट जाती है और मन की बात मन में रह जाती है। 35,535 रुपए। 1। 35,535 रुपए। 2।
35,535 रुपए ढाई और 35,535 रुपया। श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन न्यू कृष्णनगर वाले परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। वे आए गुरुवर से आशीर्वाद लें और कमेटी के हमारे भाई सुदेश जी जैन मुन्ना, भाई देवेंद्र जी जैन, भाई विनोद जी जैन, इनका स्वागत अभिनंदन करें। और इसके बाद कुबेर की बोली के लिए कुबेर भाई, वहीं से शुरू करूं जहां यहां छोड़ी जी। 35,535 रुपया कुबेर की बोली के लिए, 35,535 रुपया जो आज कुबेर बनेगा इस रथ यात्रा में, उसके घर में कभी भी चंचल लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, वे हमेशा कुबेर बनकर रहेंगे। 35,535 रुपए संजय भाई कुबेर की बोली के लिए। हरि रतन बरसे, ओ रतन बरसे तिसलाओं के आंगन में, रतन बरसे, रतन बरसे तिसलाओं के आंगन में। 35,535 रुपए दो, 35,535 रुपए ढाई और 35,535 रुपया तीन। श्रीमान पवन कुमार जी जैन संजय जी जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया है, उस परिवार को हम हार्दिक बधाई देते हैं। वे आए गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करें, अपने परिवार के साथ आए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां देखिए, तालियां बजाना हमारा कर्तव्य है। और निवेदन करता हूँ शीघ्रता के साथ हमारी कमेटी में श्रीमान राजेंद्र जी जैन टोनी, श्री मदन लाल जी जैन, और इसके देखिए थोड़ा बैठ जाइए, जिन लोगों का अभी कोई काम नहीं है थोड़ी व्यवस्था बनाए, थोड़ा बैठ जाएं। और इंद्र की बोली के लिए अगली बोली हमारा दाएं इंद्र की बोली के लिए, हाँ जी दाएं इंद्र की बोली, इंद्र की बोली 11,111 रुपया और 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई छोड़ दू और 11,111 रुपया तीन। श्रीमान आनंद जी जैन मोहित जैन परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आए गुरुवर से आशीर्वाद लें। और हमारी कमेटी के भाई प्रमोद जी जैन, भाई सुरेंद्र जी जैन, भाई भरत जैन, इनका स्वागत अभिनंदन करें। और बाएं इंद्र की बोली आखिरी बोली, बाएं इंद्र की बोली 5,151 रुपया, 5,151 रुपया। हेलो नवीन जी, हाँ जी ये कह रहे 61 हैं, बोल तो रहते भी 71 रुपया, बाएं इंद्र की बोली 7171 रुपया। पर आ भी गयो रे बोली लेने आए 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 आए, हम बोली लेने आए आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में, ढोली लगाने शहनाई से गूंजे हैं खुशियों से जोड़ी, प्रभु नाम धन सिवा साथ ना जाए बूटी घोड़ी, नाम जप ले प्रभु नाम जप ले हो नाम जप ले प्रभु नाम जप ले सुख के आधार मनवा मंत्र जपो नव का,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।